नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए गिवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं गिवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश। सभा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान है देश में सब कुछ अपने हिसाब से कर लेना, ढाल देना? 75 साल का इतिहास तो ऐसा नहीं रहा। 2014 और 2019 को भी देखा जाए तो कमोबेश वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन क्या 2024 में ऐसा हो सकता है जिसके बारे में अनंत हेगड़े बता रहे हैं या कई सारे बीजेपी के नेता दबी जुबान से ही सही लेकिन कहते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या वहां तक पहुंचता हुआ ये देश दिखाई देता है या इंडिया गठबंधन इस बढ़ते हुए कदम को रोक लेगा? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी मूलतः अगर इनके 10 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो जैसे जैसे इनके कार्यकाल का समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे संविधान पे हमले बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे दुखद चीज तो जब नया संसद भवन बनाते हैं और उसमें नकली शंगोल जब मोदी जी लेके आ जाते हैं, न्याय स्तंभ जिसको कहते हैं, वो नकली न्याय स्तंभ इस लग रहा है कि वो जो शंगोल है इस देश को बड़ा भारी पड़ रहा है, नया संसद भवन भी बड़ा भारी पड़ रहा है। तो तब से हमें लग रहा है कि संविधान के ऊपर हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। सोचिए कि देखिए, एक सवाल दो चीज है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है और देश की जनता क्या करेगी। मैं अभी पहले जो इनके संविधान के ऊपर जो इनकी क्या स्थितियां रही, एक तो सोचिए कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था वो ग्रंथ कितना पवित्र है। दुनिया भर के संविधान से कहीं से भी अगर हम लोग तुलना करते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं राजीव जी, कि आप उसमें एक साथ महिलाओं को अधिकार देते हैं, आप एक साथ दलितों को अधिकार देते हैं, आप उसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग सबों के लिए अधिकार का पैकेज है। दुनिया के जो बड़े बड़े देश जिनको हम लोग बड़ा कहते हैं, सोच लीजिए कि अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, 1789 में उनका संविधान लागू हुआ, लेकिन उनको महिला मताधिकार देने में 1920 में महिला मताधिकार दे सके। ब्रिटेन में सोचिए कि 1928 में महिला मताधिकार मिल सका, यहाँ पे एक पैकेज के रूप में सबको अधिकार वो मिल गया। तो ये जो इक्वालिटी की चीज है कि सबको सबके हिस्से की चीजें मिले, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार को पसंद नहीं है। और ये तो दिखता है राजीव जी उनके चरित्र में, आज तक अगर आरएसएस में एक भी जो है महिला प्रमुख नहीं बनी है तो सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा कि महिलाओं को लेकर क्या सवाल रखते हैं। और अभी सही सवाल उठाया गया कि जिस समय हिंदू कोड बिल लाया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ आरएसएस क्यों विरोध कर रहा था, उस चीज का समर्थन करना चाहिए था लेकिन समर्थन नहीं किया गया उसका। तो ये एक विरोध की स्थिति आपको दिखेगी यहाँ पे। और आप सोच के देखिए कि हाल के समय में जो संविधान के मूलभूत ढांचा आधारभूत ढांचा है, 1973 केशवानंद भारती केस, जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा 13 सदस्यीय संविधान पीठ है राजीव जी, और उसके फैसले की आलोचना कौन कर रहा है कि वो बदल देना चाहिए? हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़, जिनकी थोड़ी सी कोई मिमिक्री कर दे तो आप जो है कि मान लेते हैं कि बड़ा अन्याय हो गया, उनका अन्याय हो गया, किसानों का अन्याय हो गया, लेकिन वो खुलेआम भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं आप। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। आप देखिए, जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे तब भी राजीव जी उनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था? आप तो ऐसे स्थिति में जब कोई पार्टी खुलेआम और उनके बनाए गए लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं वो चुन चुन के संविधान के ऊपर हथौड़ा मारने का काम करें, तो राहुल गांधी जी ने जो मामला उठाया है अनंत हेगड़े को बयान को देखते हुए, वो देशवासियों को समझना सबसे आवश्यक है। बात यह नहीं कि अरुण गोयल ने चुनाव से जस्ट पहले इस्तीफा क्यों दे दिया, बात यह है कि जब उनकी नियुक्ति हुई तब भी उनके हड़बड़ाहट में नियुक्ति होना वो भी जो है कि सवालों के दायरे में था, और आज जब जिस तरह से चुनाव पूर्व उन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया वो भी सवालों के दायरे में है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो दो जगह खाली है वहां पे। ठीक है, 15 मार्च को आप नई दो नियुक्ति कर दीजिएगा, लेकिन मैं उस दृष्टांत पर 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राजीव जी, उस समय टीएन सेशन ने चुनौती दी थी बहुसदस्यीय चुनाव आयोग को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की बहुसदस्यता उसको लोकतांत्रिक बनाती है। आप सोच के देखिए कि अगर दो सदस्य नियुक्त हो भी गए अगर, तो वो अचानक से चुनाव के मुहाने को, इस पूरे कार्यप्रणाली और व्यवस्था को कैसे समझेंगे? 96 करोड़ वोटर है आपके, 14 लाख बूथ है आपके इस देश में, 1.5 करोड़ लोग जो कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगेंगे, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप इसको वन मैन आर्मी बनाना चाहते हैं, उसका सीधे सीधे लंबन हुआ भी है कि वहां पर भी एक हमारा जो सबसे पसंदीदा लोग है वही उसको वन मैन आर्मी के रूप में चलाए, बाकी दो दिखावे के रूप में आप बैठा दीजिएगा उसको। ये चुनाव, ये जो चीजें हैं, ये प्रवृत्ति है इनकी, एक तरह से संविधान पे हमले करने की प्रवृत्ति।
और राहुल गांधी जो जो कि जनता के सामने में भारत जोड़ो यात्रा वन में उठाते रहे, भारत जोड़ो यात्रा अभी न्याय यात्रा टू में अभी भी उठा रहे हैं, उसकी एक ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करता है कि आपके संवैधानिक संस्थाओं के प्रति वो जो हम लोग कह रहे हैं कि अघोषित आपातकालीन की स्थिति और क्या होगी कि आप चुन चुन के सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर डालिए। अगर सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा जी के मामले में उनके एक्सटेंशन पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करती तो आज भी ईडी के डायरेक्टर वही बने हुए होते, पता नहीं अनंत काल के लिए बने हुए होते। तो अगर मोदी जी ईडी के डायरेक्टर को अनंत काल तक एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी अपना एक्सटेंशन अनंत काल के लिए नहीं चाह रहे होंगे? ये है यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत की बात। लेकिन 400 का आंकड़ा जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 150 रैलियां करने के कार्यक्रम बनाए, तो 150 रैली से उनको 150 से 175 तक सीटें मिल जाए उनको, वही उनके लिए बहुत ज्यादा चीज है। क्योंकि देखिए तीन अभी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की चर्चा छोड़ दीजिए, लगातार लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस दक्षिण भारत में बहुत मजबूत है, उत्तर भारत में तीन राज्यों के चुनाव हुए, उसमें सोचिए मध्य प्रदेश में जो बाद में हम लोगों ने स्थिति देखी वहां पर कांग्रेस के भीतर कितने उथल पुथल की स्थिति, फिर भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का वोट शेयर देखिए राजीव जी, उन स्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस का वोट शेयर कैसा था। राजस्थान का वोट शेयर, राजस्थान में वोट शेयर पहले से बढ़े, छत्तीसगढ़ का भी 40% का एवरेज वोट शेयर बना के रखना विधानसभा चुनाव में भी, और फिर आप कह दीजिए कि नहीं चुनाव तो एक पक्षी होने जा रहे हैं, एक ऐसे एक पक्षी हो जाएंगे चुनाव, चुनाव एक पक्षी नहीं हो रहे कहीं से भी, जनता जो है कि बिगुल फूक चुकी है। और जो दूसरी चीज जो अब हम लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा कि संविधान तो खतरे में है लेकिन देश के नागरिकों का संसाधन जिसके ऊपर हम सबों का अधिकार है, उन संसाधनों को किस तरह से चुन चुनकर अपने मित्र सहयोगियों को, पूंजीपति सहयोगियों को दिया जा रहा है। आज राहुल गांधी जब अभी गुजरात की यात्रा पर है, जो आपने शुरुआत में भूमिका में बताई भी कि जो व्यापारियों ने बताया कि भाई हमारे एमएसएमई लघु उद्योग खत्म, आप सोचिए सरकार कितना बड़ा बढ़िया हेडलाइन बनाती है राजीव जी कि जीएसटी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अरे कौन सा छह सेक्टर दे रहा है जीएसटी? संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं ये, आपने असंगठित क्षेत्र जो कि बड़ा सा हिस्सा आपके रोजगार में होता था, 95% लोगों को बड़ा हिस्सा रोजगार वही मिलता था, 93 से 95% लोगों को, उसको बर्बाद कर दिया और सारा रेवेन्यू आप खुद वसूली करते चले जा रहे हैं। तो आप संसाधनों के आवंटन के मामले में भी जो है कि आप एक पक्षी हैं, सब कुछ उठा के किसी को दिए चले जा रहे हैं। संविधान के जो मूलभूत मूल्य हैं आप सोच के देखिए राजीव जी, मैं तो एक ऐसे जगह पर आ रहा हूं जीटी रोड के किनारे की, जहां पे कि हर समय जो है कि कांवड़ की यात्रा, तमाम यात्राएं मैं खुद उसको देखता हूं। और फिर ऐसे में जब बीजेपी के लोग ये तर्क दें कि नहीं वहां पर सड़क पर जो है कि नमाज पढ़ा जा रहा था, बड़ी गलत चीज है वो, हम कैसे उसको जो है कि अगर वहां पर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा था तो फिर इस कांवड़ यात्रा के कारण जो महीना ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है उसका क्या? अभी शिवरात्रि के नाम पर फिर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है उसका क्या? आप इस देश में किसी भी तरह से आनंद फानंद में एक समुदाय विशेष के ऊपर हमला करने के प्रयास में हमेशा रहे, ये बिल्कुल दुखद चीज है। आपको अगर ऐसे प्रवृत्तियों के ऊपर रोक लगानी है कोई एक नियम, कोई एक कानून बना दीजिए, लेकिन नहीं, आपको मूलभूत रूप से अलग अलग समुदाय को जो आपके आपको पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए शूट करता है उन सबके ऊपर आपको लगातार हमले करने हैं। तो इन स्थितियों को भारतीय जनता, जो भारत के लोग हैं, मतदाता है, वो इसे स्वीकार नहीं करने जा रहा है राजीव जी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वो भी भाग रहे हैं, और जो सांसद चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वो तो आपने तस्वीर दिखाई, मैं तो कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां और भी ज्यादा है, जहां पे कि वो कैमरे से वायरल नहीं हो रहे हैं, वो दृश्य हम लोग तक राजीव जी पहुंच नहीं पा रहे। तो बीजेपी की उल्टी गिनती मैं मानता हूं प्रारंभ होती है जी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।